मिश्राज आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग गांधी जी की श्रृंखला में एक गांधी जी का जो सामाजिक और राजनीतिक विचारधारा है, जिसने भारतीय संविधान को और प्रशासन को बहुत अधिक प्रभावित किया है, इस बात पर हम विस्तृत रूप से यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो अब सबसे पहली चीज जो हमारे दिमाग में आती है कि गांधी जी ने जो सामाजिक और राजनीतिक विचारधारा दी, वो जिस पृष्ठभूमि में उन्होंने दिया या जिन कारणों से उन्होंने ये व्यवस्था विकसित की, ये सोच उन्होंने विकसित की, उस समय उसकी जरूरत थी। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश शासन काल के दौरान और खासकर राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हम लोग ये चाहते थे कि ब्रिटिश जो राज्य है, जो ब्रिटिश शासन है, वो हमारे देश से चले जाए, और उसके लिए हम स्वतंत्रता आंदोलन भी चला रहे थे। गांधी जी ने यह महसूस किया कि भले ही हम स्वतंत्र हो जाएं, भले ही ब्रिटिश सरकार हमारे देश से चले जाए, लेकिन जब तक सामाजिक भेदभाव, जातिगत भेदभाव, अस्पृश्यता, सोशल एविल्स यानी सामाजिक कुरीतियां जब तक समाज में विद्यमान है, जब तक ये समस्या समाज में विद्यमान है, तब तक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। इसीलिए जहां वे एक तरफ राष्ट्रीय आंदोलन को गति देना चाहते थे, वहीं दूसरी तरफ सामाजिक सुधार के लिए भी वो प्रयास कर रहे थे, और सामाजिक सुधारों के प्रयास के लिए उन्होंने अलग अलग बिंदुओं पर नजर डाली और उसके लिए जो उन्होंने बातें लिखी या कही, उसी को हम लोग संक्षेप में यहाँ देखने वाले हैं। तो गांधी जी के सामाजिक राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत तीन प्रमुख आधार है, देयर आर थ्री इंपॉर्टेंट बेसिस। पहली चीज तो वो ये सोचते थे कि जो भारतीय समाज में जो बुराइयां हैं, यानी कि जो सोशल एविल्स हैं, जो हमारी आर्थिक प्रगति है यानी इकोनॉमिक प्रोग्रेस है, जो राजनीतिक स्थिरता या जो राजनीतिक परिस्थिति है, पॉलिटिकल कंडीशन है, और जो सामाजिक व्यवस्था है, सोशल सिस्टम जो हमारे देश में विद्यमान है, ये अलग अलग चीजें नहीं है। दीज ऑल द थिंग्स आर लिंक्ड टुगेदर, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी कि सामाजिक बुराइयां, आर्थिक प्रगति, राजनीतिक स्थिरता, सामाजिक व्यवस्था एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अगर समाज में सामाजिक बुराई है, सोशल एविल्स है, तो उस सोशल एविल का असर राजनीतिक परिस्थितियों पर पड़ेगा, और अगर सामाजिक बुराई है तो आर्थिक प्रगति भी प्रभावित होगा। अगर समाज में कुरीतियां हैं तो सामाजिक व्यवस्था में जो है शांति, यानी जो एक समरसता और शांति है, वो भी प्रभावित होगी। तो उनका ये कहना था कि ये सारी बातें आपस में जुड़ी हुई हैं, परस्पर संबंधित हैं, इसीलिए जब हम सुधार की बात करेंगे तो जो ग्रास रूट लेवल की जो समस्या है, जो सोशल एविल्स है, जो सामाजिक समस्या है, उन्हें दूर करने पर भी चर्चा होनी चाहिए। दूसरी चीज जो वो कहना चाहते हैं वो ये कि सामाजिक सुधारों और राजनीतिक आंदोलनों के बीच एक तालमेल होना चाहिए, ए रेशनल बैलेंस बिटवीन सोशल रिफॉर्म्स एंड द पॉलिटिकल मूवमेंट। यानी ऐसा कोई भी राजनीतिक आंदोलन, ऐसी कोई भी राजनीतिक क्रांति जिससे समाज में सुधार न हो रहा हो, सोशल रिफॉर्म नहीं हो रहा हो, ऐसा राजनीतिक आंदोलन का कोई अर्थ नहीं रह जाता। इसीलिए वो दोनों के बीच एक संतुलन चाहते थे, यानी कि कोई राजनीतिक आंदोलन करना चाहते हैं, कि असहयोग आंदोलन चलाना चाहते हैं, या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाना चाहते हैं, या किसानों का आंदोलन चलाना चाहते हैं, लेकिन किसानों का आंदोलन हो या सिविल डिसोबीडियंस हो या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो, साथ में सोशल रिफॉर्म का होना जरूरी है। सोशल रिफॉर्म मतलब क्या हुआ कि अगर अस्पृश्यता है समाज में तो उसे दूर करने की कोशिश करनी पड़ेगी, अगर अल्कोहलिज्म है, अगर लोग शराब के आदी हैं और जो है लोग शराब पीते हैं और नशा का उपयोग करते हैं, तो उसको सुधार करना जरूरी है। अगर महिलाओं और पुरुषों के बीच भेदभाव है, अंतर है, तो उसे दूर करना जरूरी है। अगर समाज में धर्म के आधार पर भेदभाव है, यानी सांप्रदायिक
अस्थिरता है, कॉम्युनलिज्म है, तो उसे दूर करना जरूरी है। तो ये जो परिस्थिति है, इन्हीं परिस्थितियों को समझते हुए गांधी जी के जो विचार हैं वो सामाजिक व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो ये मान के चलते हैं कि राजनीतिक आंदोलनों की जो सफलता है वो सामाजिक सुधारों से जुड़ी हुई है। सामाजिक व्यवस्था में अन्याय और शोषण के लिए कोई स्थान नहीं है। कोई भी ऐसी सामाजिक व्यवस्था जहां पर इनजस्टिस हो रहा हो, जहां एक्सप्लॉयटेशन हो रहा हो, ऐसी सामाजिक व्यवस्था में जहां अन्याय और शोषण मौजूद हो, वहां पर कितना भी बड़ा आंदोलन कर लें, कितनी ही बड़ी आप सफलता हासिल कर लें, कितनी राजनीतिक स्वतंत्रता हासिल कर ले उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। क्यों? क्योंकि शोषण और अन्याय को हटाना ही तो स्वतंत्रता का उद्देश्य है। तो अगर स्वतंत्रता चाहते हैं तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एक ऐसा समाज जो अन्याय और शोषण से मुक्त हो। अगर स्वतंत्रता चाहते हैं तो ऐसा समाज जिसमें निरंतर सामाजिक सुधार चल रहा हो। और अगर हम स्वतंत्रता, वास्तविक स्वतंत्रता चाहते हैं तो हमें चाहिए ऐसा समाज जो सामाजिक बुराइयों से मुक्त हो। इन्हीं बातों को लेकर के आगे बातें कही हैं गांधी जी ने। जैसे वर्ण व्यवस्था के बारे में क्या कहते हैं, वर्ण मतलब जैसे भारतीय समाज जो है वो चार वर्णों में विभाजित था वैदिक काल से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो वो कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था में कोई समस्या नहीं है, वर्ण व्यवस्था अपनी जगह पर ठीक है, वर्णाश्रम समाज शास्त्र को स्वीकार करते हो, परंतु उसमें जो ऊंच नीच की बात है उसे अस्वीकार करते हैं। कहते हैं वर्ण की उत्पत्ति किसी को ऊंचा या नीचा दिखाने के लिए नहीं हुई है, वास्तव में वर्ण का उपयोग हुआ है आजीविका के लिए। किसके लिए हुआ? आजीविका अर्जित करने के लिए हुआ है, समाज सेवा के लिए हुआ है, धन संचय के लिए नहीं हुआ है। लोग इसको गलत समझ रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण हो गए तो ऊंचे हो गए और क्षत्रिय हो गए तो ऊंचे हो गए और शूद्र हो गए तो नीचे हो गए। नहीं, गांधी जी की सोच ये है, गांधी जी का मानना ये है वर्णाश्रम व्यवस्था के बारे में कि वर्ण जो है वो केवल कार्य के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाया गया है। लोग अपना अपना काम करेंगे, और इस बात को गांधी जी ने पहले भी सर्वोदय में भी बोला और ट्रस्टीशिप में भी कहा उन्होंने कि चाहे वो नाई का काम हो, चाहे वो साफ सफाई करने वाले का काम हो, चाहे एक प्रशासनिक अधिकारी का काम हो या वकील का काम हो, काम सबका महत्वपूर्ण है और सबका बराबर है। यहां पर वर्ण व्यवस्था को वो इसी आधार पर स्वीकार करते हैं कि वर्ण के भीतर जितने भी वर्ण है, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सबका काम है समाज की सेवा करना और सेवा करते हुए जीविका का अर्जन करना। उच्चता और निम्नता का कोई भाव उसमें नहीं होना चाहिए। तो वर्ण के बारे में इस तरह की राय है। अगर जाति के बारे में बात करेंगे तो देखिए, जाति प्रथा के उन्मूलन की बात करते हैं गांधी जी। जाति प्रथा के उन्मूलन की बात कहते हैं, वो कहते हैं जाति में कुरीतियां हैं, जाति में समस्या है, जाति में अस्पृश्यता है, क्योंकि जाति व्यवस्था के कारण ही अनटचेबिलिटी का विकास हुआ। जाति प्रथा के कारण ही उच्चता और निम्नता के भाव इतनी ज्यादा बढ़ गई, इतना ज्यादा जो है सुपीरियरिटी इंफीरियरिटी डेवलप हो गया समाज में, और अब वो हमारे समाज को प्रभावित कर रहा है, घृणा पैदा कर रहा है, सामाजिक एकता की जगह लोगों के बीच दूरियां बढ़ा रहा है। और इसका फायदा ब्रिटिश सरकार उठा रही है, ब्रिटिश जो विदेशी सरकार है वो उठा रही है। तो जाति में, जाति का उन्होंने समर्थन नहीं किया, उन्होंने वर्ण का समर्थन किया। वो वर्ण को आजीविका का एक आधार मानते हैं, समानता का एक आधार मानते हैं, लेकिन कास्ट यानी कि जाति को अस्पृश्यता का एक कारण मानते हैं, जाति को सामाजिक भेदभाव का एक कारण मानते हैं। और इस तरह से गांधी जाति को तो समाप्त करना चाहते हैं लेकिन वर्ण को स्वीकार करना चाहते हैं। तो ये एक विचारधारा, जो सामाजिक विचारधारा के बारे में बात करेंगे तो आपको इन बिंदुओं को ध्यान रखना होगा। अगर सांप्रदायिक एकता की बात करें कि धर्म और सांप्रदायिक एकता के बारे में गांधी जी क्या चाहते हैं, तो देखिए आप अब समझ ही गए होंगे, जब आप इस सत्याग्रह पढ़ चुके हैं आप लोग, जब आप ट्रस्टीशिप पढ़ चुके हैं, जब आप सर्वोदय के बारे में, गांधी जी के बारे में जान चुके हैं, और हमने जो
गांधी जी के जो विभिन्न उनके जीवन से संबंधित घटनाक्रम है उसको भी हमने एक्सप्लेन किया हुआ है काफी डिटेल में। अगर इन वीडियोस को आप देख लेते हैं तो गांधी जी के विचार आपके जहन में आने लगेंगे। वहां पर भी आपको पता चला होगा कि गांधी जी कभी भी किसी भी धर्म की उच्चता और निम्नता की बात नहीं करते, वो प्रत्येक धर्म को समान भाव से देखते हैं, इक्वल इक्वल फीलिंग के साथ देखते हैं, सर्वधर्म संभाव की बात करते हैं। और कहते हैं कि सांप्रदायिक एकता और सद्भाव की स्थापना जो है उनके सार्वजनिक जीवन का प्रमुख लक्ष्य है। यानी कि गांधी जी कहते हैं कि मेरे जीवन का लक्ष्य यही है, माई टारगेट ऑफ माई लाइफ इज व्हाट, माई टारगेट इज टू establish द सांप्रदायिक एकता यानी कॉम्युनल इंटेग्रिटी एंड फ्रेटर्निटी अमंग द डिफरेंट रिलीजन्स, अलग अलग धर्मों के लोगों के बीच सांप्रदायिक एकता और सद्भाव की स्थापना अगर नहीं हुई तो मेरा जीवन सफल नहीं माना जाएगा। और अपने जीवन के अंत तक वो यही करते रहे। आप क्रोनोलॉजी में जाइए, देखिए मैंने बताया है उसमें अपने जीवन के अंत में भी, जहां पर लोग 1947 में 15 अगस्त 1947 को जब बड़ी बड़ी सभाएं हो रही थी, राजनीतिक दल जो है सभाएं कर रहे थे, स्वतंत्रता की खुशियां मना रहे थे, वो कहां, कलकत्ता में हिंदू और मुसलमानों के बीच जो दंगे हो रहे थे उस दंगों को रोकने के लिए उपवास पे बैठे हुए थे। तो उनकी जो सोच और उनकी जो कार्य प्रणाली में एक रूपता, एक यूनिफॉर्मिटी दिखाई पड़ती है, इसीलिए गांधी गांधी कहलाते हैं। ये नहीं कि बातें कुछ और काम कुछ और, ऐसा गांधी में नहीं दिखाई पड़ेगा आपको। तो यहां पर जो बात मैं आपको कह रहा हूं कि उन्होंने जीवन का लक्ष्य यही बना लिया था कि सांप्रदायिक एकता और सद्भाव की स्थापना जीवन का लक्ष्य होगा, और खासकर हिंदू और मुस्लिम एकता पर उन्होंने विशेष जोर दिया था। क्यों? क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उन्होंने पाया कि ये जो हिंदू और मुसलमान है, जब तक ये एकजुट होकर के नहीं लड़ेंगे तब तक ये ब्रिटिश सरकार हमारी बात नहीं मानेगी। इसीलिए वो राष्ट्रीय आंदोलन को ताकत देने के लिए और हिंदुओं और मुसलमानों की एकता की ताकत को समझाने के लिए हमेशा ये कोशिश करते रहे पूरे जीवन पर्यंत कि हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहे। उन्होंने जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत को कभी स्वीकार नहीं किया, ही नेवर एक्सेप्ट टू नेशन थ्योरी ऑफ जिन्ना, उसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि धर्म राष्ट्रीयता का आधार नहीं हो सकता, रिलीजन इज नॉट द बेसिस टू फॉर्म ए कंट्री। कोई राष्ट्र धर्म के आधार पर क्यों बनेगा भाई, क्यों धर्म के आधार पर बनेगा? सिर्फ इसलिए कि हम किसी पर्टिकुलर धर्म के लोग हैं इसलिए हम एक राष्ट्र बनाएंगे, ये उचित नहीं है। उनका सिर्फ एक ही आधार था, मानवता, ह्यूमैनिटी, डेवलपमेंट, सबको रोजगार, अपॉर्चुनिटी टू ऑल, ये सोच थी उनकी। इस कारण से वो द्विराष्ट्र सिद्धांत को अस्वीकार करते थे और कहते थे कि भाई हमारा राष्ट्र एक ही रहना चाहिए और हिंदू हो या मुसलमान भाई भाई की तरह एक ही राष्ट्र में रहेंगे और सबका विकास होगा, सबका जीवन बेहतर होगा, यही उद्देश्य है। तो इस तरह से उन्होंने भारत विभाजन का अंत तक विरोध किया, अपने जीवन के अंत तक इसके लिए संघर्ष करते रहे कि हिंदू और मुसलमानों के बीच जो दंगे हैं, जो झगड़े हैं, वो समाप्त होने चाहिए और भारत एक होना चाहिए। अलग अलग राष्ट्र बनने से जो समस्या खड़ी होगी उसका अंत कभी नहीं होगा और आज भी हम उसे भुगत रहे हैं। तो गांधी जी की जो विचारधारा थी वो इसीलिए हम बार बार आपको कह रहे हैं कि भले ही वो 1915, 1920, 1930, 1947 तक की विचारधारा है, लेकिन आज भी वो उतना ही प्रासंगिक है, आज भी उतना ही रेलिवेंट है जितना कि आज से लगभग 80 या 75 साल पहले हुआ करता था। कहने का मतलब यह है कि गांधी जी की इन विचारधाराओं से ये बात स्पष्ट होती है कि वो गांधी सांप्रदायिक एकता को, कॉम्युनल यूनिटी और फ्रेटर्निटी को सर्वाधिक महत्व देते हैं। प्रत्येक संप्रदाय सीमित और संकीर्ण हितों से ऊपर उठकर राष्ट्रीय हित का समर्थन करे, ऐसा उनका सोचना था। वो सभी समुदायों को कहते थे, सभी संप्रदाय के ईच एंड एवरी कम्युनिटी पर्सन ही एडवाइस कि आप लोग सीमित सांप्रदायिक भावना से ऊपर उठिए और कोशिश कीजिए कि जो हमारे राष्ट्र का जो विस्तृत हित है, जो व्यापक हित है, उन हितों को बचाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उसमें ही सबका भला है। और इसी कारण
से वो सभी धर्म को समान रूप से देखते थे. He see all the religion with equality and always advise all the people of religion think in the national interest. हमेशा देश के हित में सोचने का आग्रह करते थे, क्योंकि अगर देश होगा, अगर राष्ट्र होगा, अगर शांति होगी, पीस होगी, अगर मानवता होगी, तो हर एक धर्म का भला होगा. और अगर देश ही नहीं होगा, अगर राष्ट्र ही नहीं होगा, अगर सद्भाव ही नहीं होंगे, अगर देश के अंदर पीस ही नहीं होगी, तो पूरी मानवता का नुकसान होगा. इसीलिए वो सर्वधर्म संभाव को विशेष महत्व देते हैं. तो ये गांधी जी की सांप्रदायिक एकता के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी थी. यहां हम देखते हैं गांधी जी जाति और अस्पृश्यता के बारे में क्या कहते हैं. गांधी जी अस्पृश्यता को बहुत ही भारतीय समाज का एक गंभीर रोग मानते हैं. वो कहते हैं कि अस्पृश्यता का उन्मूलन राजनीतिक स्वतंत्रता से भी अधिक महत्वपूर्ण है. ही सेज द अनटचेबिलिटी शुड बी एबोलिश्ड एंड इट इज मोर एसेंशियल देन द पॉलिटिकल फ्रीडम. राजनीतिक स्वतंत्रता उतनी जरूरी नहीं है जितनी अस्पृश्यता का उन्मूलन करना जरूरी है. क्योंकि अगर अस्पृश्यता समाज में बना रहेगा, इफ अनटचेबिलिटी इज प्रेजेंट इन द सोसाइटी, तो क्या होगा? अनटचेबिलिटी बना है तो इसका मतलब यह होगा कि राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता सब व्यर्थ है. इसीलिए जरूरी है अस्पृश्यता को खत्म करिए. अस्पृश्यता उन्मूलन के बिना स्वराज की प्राप्ति भी असंभव है. स्वराज की प्राप्ति हम नहीं कर पाएंगे. क्यों? क्यों? और इसका उदाहरण भी हमारे पास मौजूद है. आप देखिए कि गांधी जी ने जब ब्रिटिश सरकार ने अपनी जो मैकडोनल्ड घोषणा थी उसके आधार पर जब उन्होंने प्रयास किया कि जो हमारे डिप्रेस्ड क्लास के लोग हैं उनको हिंदू समाज से हटा के सेपरेट इलेक्टोरेट की बात उन्होंने की, गांधी जी ने उपवास शुरू कर दिया यरवदा जेल में. और उसमें उन्होंने अंबेडकर को समझाने का प्रयास किया. अंबेडकर के साथ उन्होंने समझौता किया जिसको पूना पैक्ट के नाम से हम लोग जानते हैं. 1932 में ये समझौता हुआ और उस समझौते से ये निष्कर्ष निकला कि नहीं, ये बहुत गलत है. और अंबेडकर और गांधी ने दोनों ने मिलकर यह स्वीकार किया कि अगर हमें वास्तव में स्वतंत्रता मिल सकती है तो केवल यूनिटी से मिल सकती है. और ये जो डिप्रेस्ड क्लास है इनकी समस्या है अस्पृश्यता, इसीलिए अस्पृश्यता को हटाने के लिए प्रयास किया जाए. इसीलिए अनटचेबिलिटी को समाप्त किया जाए देश से, न कि अनटचेबल्स को या डिप्रेस क्लास के लोगों को हिंदू समाज से काट कर अलग कर दिया जाए. ये तो राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करेगा. इसीलिए वो अस्पृश्यता को के उन्मूलन की बात करते कहते हैं कि अस्पृश्यता क्या है? ये एक झूठा अभिमान है लोगों का, ये एक स्वार्थ वृत्ति है, एक सेल्फिशनेस है, एक घमंड है लोगों का कि और इसको जो है समाप्त करना जरूरी है. यह समाज के लिए घोरतम पाप है. पाप, ये जो है अस्पृश्यता एक पाप है समाज के लिए. यह मानवता के विरुद्ध एक क्रूरतम अपराध है, मानवता के विरुद्ध अपराध है. वो अस्पृश्य लोगों की स्थितियों से बहुत व्यथित थे, बहुत दुखी थे और किसी भी तरह से इसको समाप्त करना चाहते थे. इसीलिए तो गांधी जी ने जो है हरिजन सेवक संघ की स्थापना की 1932 में, 30 सितंबर 1932 में, ऑन 30th सितंबर 1932 he established हरिजन सेवक संघ. और उसी के साथ साथ उन्होंने जो है हरिजन सेवक संघ शुरू में अस्पृश्यता निवारण संघ के रूप में स्थापित हुआ, बाद में later on it converted into the हरिजन सेवक संघ में परिवर्तित हो गया. तो हरिजन सेवक संघ और जो उसका पुराना नाम हो गया अस्पृश्यता निवारण संघ. और साथ ही साथ देखिए उन्होंने एक वीकली भी मैगजीन भी प्रकाशित की जिसका नाम था हरिजन का प्रकाशन किया उन्होंने वीकली मैगजीन इंग्लिश में 1933 में. 1933 में उन्होंने हरिजन नामक वीकली मैगजीन का भी प्रकाशन किया. तो इस तरह से हरिजनों के उत्थान के लिए उन्होंने अपना जीवन लगाया.
हर संभव प्रयास किया। उन्होंने अंबेडकर के साथ पूना पैक्ट के माध्यम से भी यही प्रयास किया कि जो डिप्रेस्ड क्लास हैं, जो अस्पृश्य लोग हैं, उन्हें किसी भी तरह से हिंदुओं से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो तो हमारी ताकत है। अगर समाज में कोई कुरीति है, कोई समस्या है, तो उसे हल किया जाएगा। ये नहीं कि अगर शरीर के किसी अंग में छोटी छोटी सी कोई समस्या है तो उस अंग को ही अलग कर दिया जाए, ये उचित नहीं होगा। समस्या का हल किया जाए, सॉल्यूशन निकाला जाए, और निकाला और परिस्थितियां बदली। और आज देखिए, हमारे समाज में जो भेदभाव था, जो अस्पृश्यता था, वो बहुत हद तक समाप्त हो चुका है। तो कहीं ना कहीं इन इन घटनाओं के पीछे गांधी जी के योगदान की सराहना की जाती है। ठीक है, अंबेडकर साहब ने बहुत ज्यादा कोशिश की, उन्होंने अस्पृश्य जातियों के लिए बहुत जो काम किया वो दूसरे किसी ने नहीं किया, लेकिन गांधी जी के योगदान की भी हम किसी भी तरह से इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने अस्पृश्यता को एक गंभीर और क्रूरतम पाप माना है। और यही कारण है कि अस्पृश्यता की जो समस्या थी उसको हल करने में उन्होंने अपना पूरा जीवन लगाया। जहां तक सामाजिक व्यवस्था में सुधार के लिए महिलाओं के बारे में वो मानते थे, वो कहते थे कि स्त्री और पुरुष समान है, उनके बीच कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, नो डिफरेंस बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स ऑफ द सोसाइटी। पर्दा प्रथा उचित नहीं है, पर्दा प्रथा एक गंभीर समस्या है, इसीलिए वो पर्दा प्रथा को समाप्त करना चाहते थे। स्त्रियों को सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता के साथ साथ राजनीतिक स्वतंत्रता भी देना चाहते थे। ही गांधी जी ऑल्सो वांट टू गिव पॉलिटिकल फ्रीडम विथ द सोशल एंड द इकोनॉमिकल फ्रीडम, यानी सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता के साथ राजनीतिक स्वतंत्रता की बात भी वो कहते थे। और जो सामाजिक कुरीतियां थी, जो सोशल एविल्स थे, बाल विवाह यानी चाइल्ड मैरिज, डॉरी, विडो रीमैरिज का विरोध किया जाना, इन सब चीजों का वो गंभीर रूप से विरोध करते थे और इसे समाप्त करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे थे। परिवार में पुत्र और पुत्रियों के समान अधिकार की बात वे करते हैं। He also says in family the son and the daughter have the equal rights. They have no difference between the son and the daughter. और इस तरीके से महिलाओं के उत्थान के बारे में वो गंभीर चिंतन करते हैं। गांधी जी की इच्छा विकेंद्रीकरण की भी थी, क्योंकि वो चाहते थे कि लोगों के हाथ में काम करने का अवसर मिले। जो गांव के लोग हैं, जो जिन लोगों को काम करने का अवसर नहीं मिल रहा है, उन्हें काम करने का अवसर मिलेगा तो उन्हें आत्मविश्वास बढ़ेगा, उनका मनोबल बढ़ेगा, उनके राष्ट्र के प्रति भरोसा बढ़ेगा, उनका पार्टिसिपेशन, भागीदारी बढ़ेगी। इसीलिए वो विकेंद्रीकरण की बात करते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं। वो कहते हैं कि केंद्रीकरण शोषण का मूल कारण है। अगर एक्सप्लॉयटेशन है इंडियन सोसाइटी में, भारतीय समाज में, तो इसलिए है क्योंकि सारी चीजें, सारे पावर, सारे अधिकार, काम करने की जो शक्तियां हैं, वो कुछ लोगों के हाथ में केंद्रित हैं। इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि ये शोषण रुके, ये एक्सप्लॉयटेशन रुके, तो क्या करना चाहिए? हमें करना ये चाहिए कि हमें डिसेंट्रलाइजेशन करने की जरूरत है। इसीलिए वो ग्राम स्वराज यानी गांव को एक स्वराज बनाना चाहते हैं। हर तरह उत्पादन से लेकर के उसके उपभोग तक के हर चीज ग्रामीण लेवल पर विकसित करना चाहते थे। हर एक चीज वहीं विकसित करना चाहते थे और लोगों को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। ये तो तभी संभव है जब ग्राम स्वराज होगा, ग्राम उद्योग होगा, यानी गांव के छोटे छोटे उद्योग होंगे, शिक्षा की व्यवस्था ग्रामीण स्तर पर ही होगी, लोग चाहे गांव में, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब मिलजुल के रहेंगे, और साथ ही साथ अस्पृश्यता का निवारण होगा, यानी कोई भी व्यक्ति अस्पृश्य नहीं होगा। अब देखिए, ये सारी चीजें आपस में कोऑर्डिनेटेड है, सब आपस में जुड़ी हुई है। कैसे? जैसे सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था कि वर्ण व्यवस्था, तो उन्होंने वर्ण व्यवस्था को ये कहा कि ये तो केवल जीविका उपार्जन का साधन है और सभी का काम बराबर है, इसमें कोई ऊंचा नीचा नहीं है। फिर दूसरी बात, उन्होंने सांप्रदायिकता के बारे में ये कहा कि भाई सांप्रदायिकता तो बिल्कुल ही उचित नहीं है समाज के लिए, बल्कि सभी धर्म के लोग समान है, और जब सभी धर्म के लोग समान है, उनके बाद उनके बीच आपस में भाईचारा है, तो भेदभाव क्यों होगा। फिर
जब जाति की बात आई तो उन्होंने कि जाति जो है ये उचित नहीं है, क्योंकि जाति व्यवस्था के कारण अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी डेवलप हुआ है। तो अनटचेबिलिटी एक गंभीर अपराध है, एक गंभीर समस्या है, और अगर अगर अस्पृश्यता समाज में विद्यमान है तो किसी भी तरह की स्वतंत्रता मिल जाए उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। इसी तरह से उन्होंने महिलाओं की स्थिति के बारे में कहा, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला, सभी बराबर होने चाहिए। तो अस्पृश्यता, वर्ण व्यवस्था के बारे में विचार, जाति के बारे में विचार, धर्म के बारे में विचार, और साथ ही साथ विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण इसलिए क्योंकि जो समाज के सबसे कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं, अगर उन्हें भी प्रशासन में, राजनीति में काम करने का अवसर मिलेगा, उन्हें आर्थिक रूप से उनकी आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, तो स्वाभाविक है कि उनका राष्ट्र के प्रति सम्मान बढ़ेगा, उनकी आर्थिक ताकत बढ़ेगी, और ये जो आर्थिक ताकत होगी ये अल्टीमेटली राष्ट्र की ताकत बन जाएगी। तो इसीलिए वो इन सब चीजों की, इन सारी जो कमियां उन्होंने देखी, उन कमियों को दूर करके राम राज्य की स्थापना करना चाहते हैं, एक ऐसा राम राज्य जो सत्य और अहिंसा के सिद्धांत पर काम करेगा, एक ऐसा राज्य जो ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, अहिंसा के आधार पर काम करेगा, उसमें कहीं हिंसा की गुंजाइश नहीं होगी, एक ऐसा राज्य जिसमें राज्य के पास कोई दमन शक्ति नहीं होगी, क्रश करने की जरूरत नहीं है, किसी को दंडित करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि नागरिक सदचरित्र विथ गुड कैरेक्टर एंड नैतिकता, उनमें मॉरल एथिक्स, नैतिकता विद्यमान रहेगी, नैतिकता के आधार पर काम करेंगे। वो कहते हैं कि धर्म और राजनीति दोनों का उद्देश्य एक ही है, कोई अंतर नहीं है, दोनों का उद्देश्य है मानव की सेवा करना और मानवता का कल्याण करना। बोथ हैव द धर्म और द रिलीजन, बोथ हैव ओनली वन पर्पस एंड दैट इज द वेलफेयर ऑफ द पीपल, यानी लोगों का कल्याण करना। राजनीति जनता की सेवा का माध्यम है, राजनीति जनता की सेवा का माध्यम है। ये ऐसा नहीं कि राजनीति जो है ये कोई सत्ता हासिल करना या अमीर बनने का एक तरीका है, नहीं, ये एक केवल और केवल सर्विस टू द पीपल, सेवा का एक माध्यम है। और जब तक राजनीति सेवा का एक माध्यम होगा तभी तक वो राजनीति जो है राम राज्य की अवधारणा को पूरा कर पाएगा। साथ ही साथ वो ऐसे समाज की कल्पना करते हैं, ऐसे राज्य की कल्पना करते हैं जहां जाति प्रथा नहीं होगी, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, नो डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जहां पर अस्पृश्यता का नामो निशान नहीं होगा, जहां पर असमानता नहीं होगी। ऐसा नहीं कि कोई बहुत अमीर है और कोई गरीब है, खाने को भी नहीं मिल रहा है, ऐसी स्थिति नहीं होगी। मद्यपान नहीं होगा, यानी कि अल्कोहलिज्म नहीं होगा, यानी जो सामाजिक कुरीतियां हैं वो नहीं होगी, और इन कुरीतियों का, इन एविल्स का कहीं भी स्थान नहीं होगा। ऐसे राज्य की स्थापना राम राज्य के रूप में होगी, और वही राम राज्य की कल्पना महात्मा गांधी करते हैं। अब महात्मा गांधी ने जो ये विचार दिए, क्या वास्तव में इसका प्रभाव हमारे जो वर्तमान शासन प्रणाली है, हमारा संविधान है, कहीं नजर आता है? आता है, इसका प्रभाव नजर आता है। मैं आपको कोट करता हूं, देखिए आप हमारे संविधान में आर्टिकल 14 में जाइए, है ना, सभी को समानता का अधिकार देने की बात की है ना, सभी कानून के सामने सभी बराबर हैं और सबके लिए समान कानून है, आर्टिकल 14 की बात करते हैं। गांधी जी की जो सोच है मैच करती है, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उन्होंने जब काम किया तो गांधी जी के इन विचारों को सम्मान दिया, और उन्होंने कोशिश की, भले ही प्रैक्टिकली आज भी हम उतना एस्टैब्लिश नहीं कर पाते उन चीजों को, लेकिन ये नहीं कह सकते कि गांधी जी ने जो विचार दिए वो उपयोगी नहीं थे, वो इतने उपयोगी थे कि वो संविधान में अपनी जगह बनाने में कामयाब हुए। आर्टिकल 15, गांधी जी क्या कहते हैं, जाति की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जाति अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी को जन्म देती है। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 15 में जाइए, जाति धर्म लिंग वंश जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को समाप्त किया गया है,
है ना, ध्यान है आपको, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते होंगे, आर्टिकल 17 तो सीधा सीधा अस्पृश्यता को ही समाप्त करता है, सीधा सीधा कहता है कि अस्पृश्यता का कोई स्थान नहीं होगा हमारे समाज में, हमारे देश में, और प्रशासन किसी भी आधार पर अस्पृश्यता को स्वीकार नहीं करेगा, इसे जल्दी से जल्दी एंड किया जाएगा। और इसी अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए 1955 में सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1955 भी बनाया गया। और जब देखा गया कि नहीं, इससे हम पूरी तरह से अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी को समाप्त नहीं कर पा रहे, तो 1989 में एससी एसटी एट्रोसिटीज प्रिवेंशन एक्ट बनाया गया, जो कि अस्पृश्यता को दूर करने वाला एक मजबूत कानून है। यानी कि गांधी जी की जो अस्पृश्यता के संदर्भ में जो विचार थे वो समाप्त नहीं हुए, वो आज भी स्वतंत्रता के बाद भी हमें जगाए रखते हैं, और वो जगाने का काम गांधी जी के विचारों ने किया। और देखिए आप, जो आर्टिकल 45 है जिसमें उन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल में निःशुल्क शिक्षा की बात की है, तो निःशुल्क शिक्षा जो है फ्री एंड फेयर एजुकेशन की बात गांधी जी करते हैं, लोगों को कहते हैं, जैसे वर्धा शिक्षा पद्धति में उन्होंने विकसित की थी कि लोगों को बुनियादी शिक्षा मातृभाषा में, मैटरनल लैंग्वेज में देने का प्रयास होना चाहिए, उनको ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि वो अपना जीवन यापन कर सके। और हमारे संविधान में भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंतर्गत 45 में इसका जिक्र किया गया है। जहां तक विकेंद्रीकरण की बात आप करते हैं, तो आर्टिकल 40 डायरेक्टिव प्रिंसिपल में यह बात की गई थी, अनुच्छेद 40 में, कि भाई पंचायतों को अधिकार दिया जाना चाहिए। और कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट यह हुआ गांधी जी के विचारों को का, कि 1992 में स्पेशली जो 73वां संविधान संशोधन बनाया गया, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पारित किया गया, उसका उद्देश्य क्या था? जो हमारे पंचायतें हैं, जो हमारे जो ग्राम पंचायतें हैं, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया गया, उनको संवैधानिक अधिकार दिया गया। मकसद क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन। तो गांधी जी के जो विचार हैं वो हमारे संविधान को प्रभावित करते हैं। धर्म और सांप्रदायिकता की बात करेंगे तो देखिए, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक का जो प्रावधान है, 25 to 28, क्या बताता है? कि किसी भी आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तो आप 25 टू 28 को भी गांधी जी के विचारों से प्रभावित मान सकते हैं। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि बहुत सारी सामाजिक कुरीतियां थी, क्योंकि वो मानते थे कि अगर समाज में सामाजिक कुरीतियां रहेंगी तो वास्तविक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं रह जाता। ये बात मैंने शुरू में ही आपको बता दी थी कि जो सामाजिक बुराइयां होती हैं, आर्थिक प्रगति होती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, और सामाजिक व्यवस्था होती है, आपस में जुड़ी हुई चीजें होती है। तो इसीलिए हमको चौतरफा सुधार करना पड़ेगा, एवरीवेयर वी हैव टू मेक रिफॉर्म, और खासकर सामाजिक सुधार तो बहुत जरूरी है। इसीलिए जब हम स्वतंत्र हो गए और स्वतंत्रता के बाद जब हमारी संसद बनी, तो उनमें जब विचार किए गए तो यह पाया गया कि हमारे देश में डॉरी है, तो डॉरी के एबोलिशन के लिए एक्ट बनाया 1961 में। हमने यह पाया कि भाई लोगों का जो बहुत शोषण होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है, जो ह्यूमन राइट्स है उसका वायलेशन होता है ना, लोगों से बेगार कराया जाता है, तो बाउंडेड लेबर एबोलिशन एक्ट 1976 बनाया। बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976, ये भी गांधी जी के विचारों से प्रभावित था। क्यों? क्योंकि वो मानते थे कि हर एक व्यक्ति को न्यूनतम मजदूरी, जीवन निर्वाह के लिए मजदूरी मिलनी चाहिए, और यही कारण है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भी मिनिमम वेज की बात की गई है। इसके अलावा अगर सोशल लेवल की बात करेंगे तो देखिए, अनटचेबिलिटी के एबोलिशन के लिए तो मजबूत कानून बनाया गया, डॉरी के एबोलिशन के लिए 1961 में कानून बनाया गया, बॉन्डेड लेबर को एबोलिशन के लिए 1976 में कानून बनाया गया, चाइल्ड जो मैरिज है, जो बाल विवाह किया जाता है, उसको भी गांधी जी अपोज करते हैं, और उसको उसी कारण से गांधी जी के विचारों को ध्यान में रखते हुए भी जो है चाइल्ड मैरिज एबोलिशन एक्ट 1929 को प्रभाव में लाया गया। कुल मिलाकर के गांधी जी के जो सामाजिक विचार हैं, जो सोशल थॉट हैं, वो एक विकसित भारत, एक डेवलप्ड इंडिया, एक आधुनिक भारत के निर्माण की आधारशिला है। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि जो चीज हम तलाश रहे हैं, What we are trying to find, हम क्या तलाश रहे हैं वर्तमान में? हम ऐसे समाज की तलाश कर रहे हैं जो अस्पृश्यता से मुक्त हो, हम ऐसे समाज की तलाश कर रहे हैं जिसमें समाज का सबसे कमजोर और पिछड़ा वर्ग जहां भी हो, जो भी हो, उसे अधिकार मिले, यानी विकेंद्रीकरण। हम ऐसे समाज का निर्माण करना चाह रहे हैं जहां पर धर्म के आधार पर कोई भेदभाव ना हो,
हम ऐसे समाज का निर्माण करना चाह रहे हैं जहां पर कि महिला और पुरुष को समान अधिकार मिले और समानता के आधार पर वो लोग कंधे से कंधा मिलाकर काम कर सके। ऐसे समाज के निर्माण की बात हम आज भी कर रहे हैं और गांधी जी ने यह सपना केवल देखा ही नहीं, उसे उतारने के लिए हर संभव कोशिश की और इस तरह से सामाजिक सुधार करते हुए, सोशल रिफॉर्म करते हुए उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को, इसे सामाजिक सुधार को अपनी एक ताकत बना दिया। He made his social reform to power to get the freedom। उन्होंने स्वतंत्रता हासिल करने के लिए इन सामाजिक सुधारों को अपनी ताकत बना दी और इस ताकत के दम पर, क्योंकि जब समाज में सुधार हुआ, जब अस्पृश्यता कम हुआ, जब महिला पुरुष समानता बढ़ी, जब सामाजिक कुरीतियां कम हुई, जब समाज के गांव के लोगों को भी ये महसूस हुआ कि ये देश हमारा है और गांधी जी की अपील है कि हम इस राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े, तो पूरा देश आंदोलन में आगे आ गया। भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये सब इस बात की गवाही देते हैं कि गांधी जी का तरीका सर्वश्रेष्ठ था, गांधी जी का तरीका बेहतरीन था। अहिंसा, सर्वोदय, ट्रस्टीशिप और सामाजिक सुधार की जो बातें उन्होंने कही वो केवल उसी समय के लिए प्रासंगिक नहीं थी, आज भी प्रासंगिक है और आज की सरकारें भी अगर उस रास्ते पर चलती हैं तो निश्चित ही उन्हें सफलता मिलेगी। इन बातों के साथ मैं गांधी जी के इस टॉपिक को यहाँ पर फिनिश करता हूँ। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी बातों को ध्यान से सुना, पूरा सुना, लेकिन हम आपसे यही गुजारिश करेंगे कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस चैनल को शेयर कीजिए और साथ ही साथ लाइक और कमेंट कीजिए और अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप बताइए भी। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।